हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ही हमारे पास वैगनर गाड़ी आई है। इसमें क्या होता है, जब हम इसका ब्रेक का पेडल प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ चला जाता है, ब्रेक ठीक से लग नहीं रही है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में हमें पूरी डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नहीं है तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ब्रेक का पैडल है, जिसे मैं इस तरह से प्रेस करता हूँ तो पूरी तरह से धीरे धीरे नीचे की ओर चला जाता है। देख सकते हैं इतना नीचे नहीं जाना चाहिए और ब्रेक ठीक से लग नहीं रही है। तो अब हम इसका प्रॉब्लम ढूंढेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जब इस तरह का प्रॉब्लम हो गाड़ी में ब्रेक में, तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि हमें चेक करना रहता है कि कहीं ब्रेक ऑयल तो लीकेज नहीं हो रहा है ना। तो आप देख सकते हैं इसका ब्रेक ऑयल है वो कम्प्लीटली है, अभी कहीं से लीकेज नहीं हुआ है। तो अभी हम सब व्हील पे चेक कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी जगह से ब्रेक ऑयल लीकेज नहीं हो रहा है। यहाँ पे कैलिपर भी ओके है। सब व्हील में पहले यही चेक कर लेना है कि कोई जगह से ब्रेक ऑयल लीकेज तो नहीं हो रहा है ना। हम पीछे के व्हील की साइड देख ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई ऑयल लीकेज नहीं हो रहा है ब्रेक का। तो पहला स्टेप यही रहता है कि अगर ऑयल लीकेज है तो उसे बंद करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने चारों टायर निकाल दिए हैं। अब पीछे की तरफ देखिए, ये व्हील है पूरी तरह से फ्री है, पर यहाँ इस साइड देख सकते हैं ये पूरी तरह से जाम हो चुका है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके इस ड्रम को ओपन करना है हमें, और इसके अंदर क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है। इसके जो एडजस्टर होते हैं उसे एडजस्टर को सेट करेंगे, और बाद में क्या करेंगे, इसका ब्लीडिंग कर देंगे। आगे के भी और यही करेंगे, इसका व्हील पूरी तरह से सर्विस करेंगे और इसका जो ब्रेक वाले उसका ब्लीडिंग करेंगे। ब्लीडिंग करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो एयर सिस्टम के अंदर एयर रहती है वो एयर निकल जाएगी और क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हमें यही प्रोसेस करनी है। पहले चारों के चारों व्हील सर्विस करने हैं, इसके लाइनर और जो ख़राब होगा उसे चेंज करेंगे और इसका ब्लीडिंग कर देंगे। इस ड्रम को निकालने के लिए क्या करना होगा, इसे हम बाहर निकाल खोल देंगे, इसके अंदर जो बोल्ट होगा उस बोल्ट को निकाल देंगे, इसके बाद ये ड्रम बाहर निकाल सकते हैं हम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसकी इस डब्बी को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, 30 नंबर का जो बॉक्स टूल रहता है उसकी मदद से इसे भी ओपन कर देना है। तो दोस्तों इसको ओपन कर देना है, पर एक बात खास ध्यान रखनी है कि कार की हैंड ब्रेक को पहले रिमूव कर देना है, बाद में इस तरह से हम क्या करेंगे, देख सकते हैं इसका बोल्ट है इसे निकाल देना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसे बाहर की ओर निकाल देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके जो ये है ब्रेक पट्टे है, तो इसमें जिसे हम ब्रेक शू भी कहते हैं, ये ब्रेक शू है वो 50% तो वियर हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें यह जो इसका एडजस्टर है उसे एक्सपांड कर देंगे और इसे वापस से सेट कर देंगे। अब जो पूरी तरह से जो कार्बन अंदर जमा हुआ है यह सारा का सारा कार्बन, उसे अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। इसी तरह हमें उस साइड का ड्रम खोलेंगे और उसमें देखेंगे जो व्हील जाम है वो किस वजह से है। तो चलो अभी उसे ओपन करते हैं। तो हमने ये दूसरी साइड भी ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ भी कंडीशन पूरी वैसी की उस साइड की उसी तरह है। इस व्हील को काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं किया गया है, इसकी वजह से यह सारा प्रॉब्लम ब्रेक के अंदर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी पूरी तरह क्लीन कर देंगे, एक पूरा कार्बन मटेरियल हटा देंगे, इसके एडजस्टर को एडजस्ट कर देंगे और बाद में इसका ब्लीडिंग कर देंगे। तो इसे स्टेप बाय स्टेप अब हम करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो एडजस्टर है उसे एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप ये लॉक देख सकते हैं, इस लॉक को पेचकस की मदद से नीचे कर देंगे, बाद में इसे ऊपर की ओर घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सपांड होगा, जिसकी मदद से ये एडजस्टर है वो सेट हो जाएगा। दोस्तों तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस एडजस्टर को सेट कर लेना है।
दोस्तों यही प्रोसेस हमें दोनों साइड करने रहेंगे, उसे कितना एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका जो एडजस्टर है उसे एडजस्ट करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप ये लॉक देख सकते हैं, इस लॉक को पेचकस की मदद से नीचे कर देंगे, बाद में इसे ऊपर की ओर घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, ये एक्सपांड होगा, जिसकी मदद से ये एडजस्टर है वो सेट हो जाएगा। दोस्तों तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस एडजस्टर को सेट कर लेना है। दोस्तों यही प्रोसेस हमें दोनों साइड करने रहेंगे, उसे कितना एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एडजस्टर सेट हो जाने के बाद क्या करना है, हमें इस पॉलिश पेपर की मदद से सारे जो ब्रेक शू है और उसका ड्रम है उसे पॉलिश कर देना है। रहता है इसका जो ड्रम है इसे इस तरह से क्या करना है, हमें पॉलिश कर देना है। दोस्तों हमें यह ड्रम लगाने से पहले क्या करना होगा, इस पार्ट से वहाँ पे ग्रीस लगा दे, तो यह बियरिंग में भी हमें क्या करना है, ग्रीस लगा देना है कम्प्लीटली, ताकि अच्छी तरह से वर्क करे। पेपर को खोल के अंदर क्या करना होता है, हमें ब्रेक पैडल है वो थोड़ी देर प्रेस करना है, बाद में दबा के रखना है, फिर इसे ओपन करना है, वापस से क्लोज कर देना है, बाद में वापस से दो तीन बार पैडल दबाना है, तो पैडल दबा के रखना है, इसे खोलना है। इस तरह से इसका ब्लीडिंग किया जाता है, तो हमने इसका ब्लीडिंग कम्प्लीट कर दिया। हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ट के अंदर जो है खांस दी हुई है, इसे इसके अंदर बिठा देना है कम्प्लीटली। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है खांस है उसके अंदर इसे बैंड करके वापस डाल देना है, ताकि क्या हो कि ये खुल ना जाए कभी रास्ते में, बोल्ट ऑटोमेटिकली कभी निकल ना जाए, इसलिए इसे करना पड़ता है। तो काम वर्क पीछे कम्प्लीट होने जाने के बाद इसे अंदर डाल देना है। व्हील सर्विस कर दिया और इसका ब्लीडिंग कर दिया, बाद में पहले जो पैडल अंदर की ओर चला जाता था आप देख सकते हैं नहीं पे अटक जाता है, अंदर नहीं जा रहा है, मतलब जितना जाना चाहिए उतना ही जा रहा है। तो यह वर्क कम्प्लीट हो चुका है, देख सकते हैं अब ये ब्रेक का पैडल नीचे की ओर पूरी तरह से नहीं चला जाता। यहाँ पे जो एक पोजीशन आती है थोड़ा अंदर जाए बाद में अटक जाना चाहिए, पहले क्या होता था पूरा का पूरा अंदर चला जाता था, अब नहीं जा रहा है। इसके अंदर जो है ब्रेक पैडल अंदर की ओर चला जाता था, उसका मेन प्रॉब्लम तो यही था कि इसका व्हील सर्विस है वो काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं किए गए थे, फिर क्या हुआ कि ब्रेक शू है वो ज़्यादा घिस गया, और बाद में क्या होता है जब ड्रम के और शू के बीच में गैप ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि पैडल ज़्यादा अंदर चला जाता है, सिलेंडर को ज़्यादा एक्सपांड होना पड़ता है, उसकी वजह से पैडल है वो ज़्यादा अंदर की ओर जा रहा है। अब क्या होगा कि हमने जो इस एडजस्टर की मदद से इसे ब्रेक शू को सेट कर दिया, सिलेंडर क्या होगा उतना खुल जाएगा, बाद में थोड़ा सा पैडल लगेगा, बाद में वो इजीली जो शू है वो ड्रम के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, उसकी मदद से क्या होगा कि ब्रेक पैडल कम अंदर जाता है। यही फॉल्ट था कि इसके अंदर जो लंबे टाइम से व्हील सर्विस नहीं किए गए थे, इसकी वजह से यह प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।